वेलकम टू द वीवर्स द चैनल फॉर जॉब्स। अस्सलाम वालेकुम डियर वीवर्स। कैनाल पटवारी टेस्ट प्रिपरेशन 2023। कैनाल पटवारी का टेस्ट बनता है इन सब्जेक्ट्स जैसा कि जनरल नॉलेज, एवरीडे साइंस, पाकिस्तान स्टडी, करंट अफेयर, इस्लामिक स्टडी, ज्योग्राफी, उर्दू, इंग्लिश, बेसिक मैथ, कंप्यूटर और एमएस ऑफिस। इस वीडियो में इस्लामिक स्टडी के पास पेपर्स एमसीक्यूज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और बिल्कुल वैसे ही इस्लामिक स्टडी के सवाल जिस तरह के कैनाल पटवारी में आ सकते हैं, इस्लामिक जनरल नॉलेज के क्वेश्चन इस वीडियो में डिस्कस होंगे। तो वीडियो का आगाज करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है द टर्म इस्लाम मीन्स, यानी इस्लाम का क्या मतलब है। तो दोस्तों इस्लाम का मतलब है सबमिशन, यानी मान लेना, तस्लीम करना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का तल्लक दैश खानदान से था, यानी किस खानदान से था। तो दोस्तों हाशमी खानदान से था, ये आप लोगों ने याद रखना है, हाशमी खानदान से था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दैश बेटे थे, यानी कितने बेटे थे। तो दोस्तों तीन बेटे थे, ये आप लोगों ने याद रखना है, तीन बेटे थे और चार बेटियां थीं, ये भी आप लोगों ने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों जब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर कुरान का नजूल हुआ तो उस वक्त हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की उम्र कितनी थी। दोस्तों इस सवाल में हमें यह बताना है दोस्तों उस वक्त उम्र थी हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 40 बरस, यानी 40 साल, वाज अबाउट 40 ईयर्स ओल्ड इसका राइट आंसर है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों मदीना में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मेज़बान कौन था, यानी जब हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मदीना में आए थे पहली दफ़ा तो उस वक़्त किसने मेज़बानी की थी, उनका क्या नाम था। तो उनका नाम था दोस्तों अबू अयूब अल अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हो, अबू अयूब अल अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हो ने मेज़बानी की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कितने साल मदीना में रहे। तो दोस्तों 10 साल मदीना में रहे और 53 साल मक्का में रहे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ज़बूर अल्लाह ने किस नबी पर नाजल किया। दोस्तों ज़बूर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजल हुई, जो ज़बूर बुक थी दोस्तों वो हज़रत प्रॉफ़िट दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजल हुई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है ज़बूर हज़रत दाऊद अलैहिस्सलाम पर नाजल हुई थी, इसके लुघवी मैनी क्या है। तो दोस्तों इसके लुघवी मैनी है पीस, यानी अमन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है अंजील अल्लाह की तरफ से किस नबी पर नाजल हुई। तो दोस्तों अंजील जो बुक थी वो प्रॉफ़िट ईसा, यानी हज़रत ईसा अलैहिस्सलाम पर नाजल हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किस सहाबी को अल्लाह की तलवार के खिताब से नवाजा गया। तो वो सहाबी थे दोस्तों हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हो, हज़रत खालिद बिन वलीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हो को अल्लाह की तलवार के खिताब से नवाजा गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के किस सहाबी को अल्लाह का शेर के खिताब से नवाजा गया। तो दोस्तों हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हो को अल्लाह के शेर के खिताब से नवाजा गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों बच्चों में सबसे पहले इस्लाम किसने कबूल किया। दोस्तों बच्चों में सबसे पहले हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने इस्लाम कबूल किया। तो बड़ों में दोस्तों हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने इस्लाम कबूल किया और औरतों में सबसे पहले हज़रत खतीजा रज़ी अल्लाह अन्हा ने इस्लाम कबूल किया, ये आप लोगों ने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों किला का मूस किस सहाबी ने फतह किया। दोस्तों किला का मूस था दोस्तों वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने फतह किया था, हज़रत अली रज़ी अल्लाह अन्हु ने किला का मूस फतह किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों अल हदैबिया मौईदा, यानी जो हदैबिया का दोस्तों मौईदा था वो किसने लिखा था। तो दोस्तों वो लिखा था हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने, जो अल हदैबिया का मौईदा था वो लिखा था हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत डैश हिजरी में हुई। तो दोस्तों ये 40 हिजरी को हुई थी, ये आप लोगों ने याद रखना है, 40 हिजरी को हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शहादत हुई थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह का नाम क्या था। दोस्तों इमाम बुखारी का नाम था दोस्तों मोहम्मद बिन इस्माइल, इमाम बुखारी का नाम था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों खतीबुल अंबिया डैश का लकब था। दोस्तों किस नबी का लकब था खतीबुल अंबिया। था दोस्तों हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम का लकब था खतीबुल अंबिया, हज़रत शुएब अलैहिस्सलाम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवी का नाम बताएं, जो हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की बेटी थी। तो उनका नाम था हफ्सा, हज़रत हफ्सा रज़ी अल्लाह अन्हा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हज़रत इस्माईल अलैहिस्सलाम और हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम के दरमियान क्या तल्लक था। तो दोस्तों ये आपस में भाई थे, ये आप लोगों ने याद रखना है, हज़रत इस्माईल और हज़रत इसहाक अलैहिस्सलाम आपस में क्या थे, ब्रदर थे, यानी भाई थे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों किस मुल्क को अंबिया की सरजमीन कहा जाता है। दोस्तों जो फ़लस्तीन है दोस्तों इसको अंबिया की सरजमीन कहा जाता है, ये आप लोगों ने याद रखना है, फ़लस्तीन। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों सियासत्ता हदीस की डैश किताबें हैं। दोस्तों सियासत्ता में दोस्तों 6 हदीस की किताबें हैं, ये आप लोगों ने याद रखनी है, 6 किताबें हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों हज में हजरत अस्वद को छूना डैश कहलाता है। दोस्तों हज में हजरत अस्वद को छूना इस तक कहलाता है इस्तलाम। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं। तो दोस्तों ये किस सूरत में बयान किया गया। तो दोस्तों ये सूरत अल फतह में बयान किया गया कि जो मोहम्मद अल्लाह के रसूल हैं, सूरत अल फतह।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अल्लाह ताला सूरत डैश में फरमाता है कि नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां मोमिनों की माएँ हैं। तो दोस्तों सूरत अहज़ाब में मतलब कि फरमाया कि अल्लाह ताला ने फरमाया कि जो नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीवियां हैं वो मोमिनों की माएँ हैं। दोस्तों सूरत अहज़ाब में ये फरमाया गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम कुरान पाक में डैश बार आया था दोस्तों, 4 मरतबा आया है, 4 मरतबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कुरान मजीद की कौन सी सूरत में बिस्मिल्लाह 2 मरतबा आती है? तो दोस्तों सूरत अल नमल में दोस्तों बिस्मिल्लाह 2 मरतबा आती है, सूरत अल नमल में बिस्मिल्लाह 2 मरतबा आती है, और सूरत अल तौबा में 1 मरतबा भी बिस्मिल्लाह नहीं आती। ये भी आप लोगों ने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, वुजू गुसल तयमम के अहकाम किस सूरत में है? तो दोस्तों ये सूरत अल माईदा में है, सूरत अल माईदा में वुजू गुसल और तयमम के अहकाम हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सूरत अल इमरान में किस मशहूर गज़वे का जिक्र है? दोस्तों तो सूरत अल इमरान में दोस्तों गज़वे बदर का जिक्र है, गज़वे बदर जो कि सबसे पहला गज़वा था, मतलब कि जो बड़ी मतलब जंग थी वो पहले थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, 17 रमज़ान और 1 हिजरी में जंग बदर हुई। तो दोस्तों 17 रमज़ान और 2 हिजरी में मतलब कि जंग बदर हुई 2 हिजरी में। तो दोस्तों आप लोगों को यहाँ पे ये भी बता दूँ कि 2 हिजरी को जंग बदर, 3 हिजरी को दोस्तों गज़वा अहद हुआ, और 5 हिजरी को दोस्तों गज़वा अहज़ाब या गज़वा खंदक हुआ, 6 हिजरी में दोस्तों सुलह हदीबिया हुआ, और 7 हिजरी में दोस्तों मतलब कि गज़वा खैबर हुआ, और 8 हिजरी में दोस्तों फतह मक्का हुआ। ये भी आप लोगों ने याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सूरत कैफ में असहाबे कैफ के साथ किस जानवर का जिक्र आया था? दोस्तों वो कुत्ता यानी डॉग का जिक्र आया है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, यरमूक की जंग मुसलमानों और डैश के दरमियान लड़ी गई थी? दोस्तों रोमन्स के मतलब के दरमियान लड़ी गई थी, यरमूक की जंग दोस्तों मुसलमानों और रोमन्स के दरमियान लड़ी गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मस्जिद कबलतैन डैश में वाक़ दोस्तों मस्जिद जो कबलतैन है वो कहाँ पर वाक़ दोस्तों? वो मदीना में वाक़ है, कहाँ पे वाक़ मदीना में। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हज में शैतान को संसार करने को डैश कहते हैं? दोस्तों वो कहते हैं रमी, हज में शैतान को संसार करने को रमी कहते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हज में कोई सफ़ा और कोई मरवा के दरमियान 7 चक्कर लगाने को डैश कहते हैं? दोस्तों 7 चक्कर लगाने को सही कहते हैं, सही उर्दू में इस तरह लिखा जाता है, सही। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पहला उमवी खलीफा डैश था? दोस्तों जो पहले उमवी खलीफा थे उनका नाम था हज़रत उमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत उमीर माविया रज़ी अल्लाह ताला अन्हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ग़ज़वा अहद में नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहाड़ पर ठहरने के लिए डैश माहिर तीर अंदाज इंतखाब किया? दोस्तों तो 50 तीर अंदाजों को खड़ा किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम के दरमियान क्या तल्लक था? दोस्तों हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम और हज़रत हारून अलैहिस्सलाम आपस में भाई थे यानी ब्रदर्स थे, ये भी आप लोगों ने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कुरान पाक में हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम का कितनी दफ़ा जिक्र आया था? दोस्तों 135 मरतबा जिक्र आया दोस्तों, और सबसे ज़्यादा जो जिस पैगम्बर का जिक्र है दोस्तों वो हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम ही हैं, ये आप लोगों ने याद रखना है, सबसे ज़्यादा मरतबा और 135 मरतबा। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, बैतुल मामूर कौन से आसमान पर है? दोस्तों जो बैतुल मामूर है वो 7वें आसमान पर है, ये आप लोगों ने याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फतह मक्का के मौके पर डैश सूरत की तिलावत की थी दोस्तों? तो उस वक्त दोस्तों सूरत अल फतह की ही तिलावत की थी, जब मतलब फतह मक्का के मौके पर सूरत अल फतह। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पहली मरतबा खुतबा जुमा डैश हिजरी में दिया था? दोस्तों फर्स्ट मतलब एक हिजरी को दिया था, पहली हिजरी को। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हदीबिया में सहाबा कराम थे यानी हदीबिया में सहाबा कराम की कितनी तादाद थी? दोस्तों 1400 तादाद थी, आप लोगों ने याद रखना है, 1400। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, काबा के सबसे बड़े बुत का क्या नाम था? दोस्तों काबा के सबसे बड़े बुत का नाम हबल था, और काबा में कितने बुत रखे हुए थे? दोस्तों वो 360 बुत रखे हुए थे, ये भी आप लोगों ने याद रखना है, काबा में 360 बुत थे और बड़े बुत का नाम था हबल। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हजूर की कबर किसने तैयार की? तो दोस्तों जो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कबर हज़रत अबू तलहा रज़ी अल्लाह ताला अन्हु ने तैयार की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को देखे बगैर सिर्फ एक सहाबी मतलब एक हैं, वो कौन है? दोस्तों उनका नाम है हज़रत उवैस करनी रज़ी अल्लाह ताला अन्हु को बगैर देखे सहाबी का दर्जा मिला है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हज़रत डैश ने जुमा की नमाज के लिए दूसरी अजान का इजाफा किया था? दोस्तों हज़रत
हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने जुमे की जो दूसरी अजान है उसके लिए इजाफा किया हज़रत उस्मान रज़ी अल्लाह अन्हु ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बीमारी में नमाज किसने पढ़ाई? तो दोस्तों जब हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बीमार थे तो उस वक्त हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने नमाज़ें पढ़ाई थी। और कितनी नमाज़ें पढ़ाई थी दोस्तों? 17 नमाज़ें पढ़ाई थी, आप लोगों ने याद रखना है, 17 नमाज़ें थी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इस्लामी दुनिया की पहली मर्दमशुमारी डैश की मुद्दत में हुई थी। दोस्तों हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह अन्हु की मतलब कि जब हुकूमत थी उस वक्त दोस्तों इस्लामी दुनिया की पहली मर्दमशुमारी कराई थी, यानी हज़रत अबू बकर सदीक रज़ी अल्लाह अन्हु ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कुरान पाक की कौन सी आयत को सरदार अल आयत कहा जाता है? तो दोस्तों सूरत यासिन को दोस्तों जो मतलब है कि कुरान पाक की आयत का सरदार कहा जाता है, सूरत मतलब कि सूरत आयत अल कुर्सी, सॉरी इस सवाल में यह बताना है कि कुरान पाक की कौन सी आयत को, दोस्तों जो आयत है वह है आयत अल कुर्सी को, बाकी सारी आयतों का सरदार कहा जाता है आयत अल कुर्सी। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सूरत डैश को कुरान का दिल कहा जाता है? दोस्तों सूरत यासीन को कुरान का दिल कहा जाता है, यह भी आप लोगों ने याद रखना है, सूरत यासीन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सूरत डैश को कुरान का हुसन कहा जाता है? दोस्तों सूरत रहमान को कुरान का हुसन कहा जाता है, सूरत रहमान। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, डैश कुरान पाक में अंबिया का जिक्र आया? दोस्तों 26 अंबिया का जिक्र आया है कुरान मजीद में, 26 नबी का, 26 मतलब अंबिया कराम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कुरान पाक में डैश सूरत अंबिया के नाम से शुरू है? तो दोस्तों जो कुरान मजीद में दोस्तों 6 सूरतें ऐसी हैं जो अंबिया कराम के नाम से शुरू होती हैं, 6 ऐसी सूरतें हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इब्राहिम अलैहिस्सलाम डैश दिन आग में, दोस्तों हज़रत इब्राहिम अलैहिस्सलाम दोस्तों 40 दिन मतलब के आग में रहे, 40 दिन। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नमाज किस मौके पर फ़र्ज़ हुई? तो दोस्तों जो नमाज है वो मतलब मेराज के मौके पर फ़र्ज़ हुई, मेराज के मौके पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अजान में मौज़िन कितनी तकबीरें पढ़ता है? तो दोस्तों अजान में जो मौज़िन है वो 6 यानी 6 तकबीरें पढ़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, नमाज इस्तस्का किस मौके पर पढ़ी जाती है? दोस्तों जो नमाज इस्तस्का है दोस्तों वो शॉर्टेज ऑफ रेन, यानी मतलब है कि बारिश ना होने की वजह, मतलब जब बारिश कम होती है उस वक्त मतलब है कि ये नमाज पढ़ के दुआ मांगी जाती है, तो अल्लाह ताला के हुक्म से मतलब है कि अल्लाह ताला के हुक्म से बारिश होती है। दोस्तों नमाज इस्तका मतलब बारिश के मतलब वजह से पढ़ी जाती है, यानी बारिश जब कम होती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, ज़कात किस हिजरी में आयद की गई? दोस्तों जो ज़कात है वो 2 हिजरी में आयद की गई, आप लोगों ने याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, सोने पर निसाब कितना है? तो दोस्तों जो सोने पर ज़कात का निसाब है दोस्तों वो है 7.5 तोला, यानी मतलब 7.5 तोला अगर आपके पास है तो आप पे ज़कात फ़र्ज है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हज किस हिजरी में फ़र्ज़ किया गया? तो दोस्तों जो हज है वो 9 हिजरी को फ़र्ज़ किया गया, ये आप लोगों ने याद रखना है, हज 9 हिजरी को फ़र्ज़ किया गया। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कितने हज किए थे? दोस्तों हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 1 हज किया था और 4 मरतबा मतलब कि उमरा किया था, ये आप लोगों ने याद रखना है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, मुज़दलफा डैश वाक़ है? दोस्तों जो मुज़दलफा है दोस्तों वो बटवीन यानी मीना और अरफात के दरमियान वाक़ है, बटवीन मीना एंड अरफात। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कुरान का नज़ूल डैश में हुआ? दोस्तों जो कुरान का नज़ूल है दोस्तों वो 22 साल और 5 मंथ में हुआ, 22 years and 5 मतलब 22 years and 5 months। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कुरान पाक की मक्की सूरतें कितनी हैं? दोस्तों कुरान पाक की मक्की सूरतें हैं 86 और मदनी सूरतें कितनी हैं? तो दोस्तों मदनी जो सूरतें हैं वो हैं 28 और कुरान पाक में कितने रकू हैं? दोस्तों कुरान पाक में 558 और कई जगहों पर 540 भी मतलब है कि लिखा हुआ है। तो ये आप लोगों ने दोनों याद रखें, इनमें से एक ही आप लोगों के टेस्ट में आएगा, वो कुरान पाक में रकू पूछें, या तो 540 लिखा होगा या 558, ये दोनों आप लोगों ने जेहन में रखने हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कुरान पाक में कितनी आयात हैं? दोस्तों कुरान पाक में 6,666 आयात हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कुरान पाक की किस सूरत को कम इज़ कम आयात है? दोस्तों कुरान पाक की किस सूरत की कम इज़ कम यानी थोड़ी से थोड़ी आयात है दोस्तों वो है 3। तो दूसरी सूरत का नाम है सूरत अल कौसर, सूरत अल कौसर की सिर्फ 3 आयात हैं। और जो सबसे बड़ी सूरत है दोस्तों वो सूरत अल बकरा है, उसमें सबसे ज़्यादा आयात है, लेकिन मुझे कन्फर्म याद नहीं कि 286 हैं या इसके नज़दीक इतनी ही तकरीबन बनती हैं, लेकिन याद नहीं है मुझे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हज के दौरान कुर्बानी डैश में की जाती है? दोस्तों हज के दौरान कुर्बानी मीना में की जाती है, मीना के मकाम पर की जाती है, मीना। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उस शख्स का नाम बताएं जिसका घर तबलीग इस्लाम का मरकज बना। तो दोस्तों उसका नाम था हज़रत अरकम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो, हज़रत अरकम रज़ी अल्लाह ताला अन्हो का जो घर था वो मतलब है कि इस्लाम का तबलीगी मरकज बना। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, हिजरत मदीना में हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस ऊँट पर सवार थे उसका क्या नाम था? दोस्तों उसका नाम था कसवा। ये बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, ये भी लाजमी याद रखना है आप लोगों ने कि हिजरत मदीना में हज़रत पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जिस ऊँट पर सवार थे उनका नाम क्या था? कसवा था, कसवा, QSW कसवा।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस साल को गम का साल यानी मतलब के दुख का साल कहा जाता है दोस्तों? वो 10 नबवी को कहा जाता है दोस्तों। ये क्यों कहा जाता है दोस्तों? उस साल हज़रत खदीजा रज़ी अल्लाह अन्हो और हज़रत अबू मतलब तालब रज़ी अल्लाह अन्हो की वफ़ात हुई थी, इसलिए मतलब उस साल को 10 नबवी को मतलब के गम का साल कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, छठी हिजरी का सबसे अहम वाक़या क्या था दोस्तों? तो छठी हिजरी का सबसे अहम वाक़या था द ट्रिटी ऑफ हुदैबिया, यानी हुदैबिया का मामला पेश हुआ था। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किबला कब तब्दील हुआ? दोस्तों जो किबला है वो 2 हिजरी को तब्दील हुआ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, ज़कात फ़र्ज कब हुई? तो दोस्तों जो ज़कात है वो 2 हिजरी को फ़र्ज हुई। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, दुनिया के पहले तहरीरी आइन का नाम बताएं। तो दोस्तों जो दुनिया का पहला तहरीरी आइन था उसका नाम था दोस्तों मिसाके मदीना। मिसाके मदीना दुनिया के पहले तहरीरी मतलब पहला तहरीरी आइन था। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अकीदा का क्या मतलब है? दोस्तों अकीदा का मतलब है बिलीफ, बिलीफ। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, अरफात का इज्तिमा डैश को होता है? दोस्तों जो अरफात का इज्तिमा है वो 9 ज़िलहज को होता है, 9 ज़िलहज। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कुरान करीम में मदरजा ज़ैल में से किस को नाकाबले माफ़ी गुनाह करार दिया है? दोस्तों वो है शिरक को नाकाबले माफ़ी, यानी शिरक जो है वो उसको माफ़ नहीं किया जा सकता। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, करबला की जंग किस हिजरी को हुई? तो दोस्तों करबला की जंग 61 हिजरी को हुई। नेक्स्ट क्वेश्चन दोस्तों, कुरान पाक में कितने फरिश्तों का जिक्र है? तो कुरान पाक में 7 फरिश्तों का जिक्र है, यानी 7 फरिश्तों का। नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, कुरान पाक का ज़्यादातर हिस्सा के वक्त नज़ुल हुआ? दोस्तों कुरान पाक का जो ज़्यादातर हिस्सा वो नाइट यानी रात के वक्त नाज़िल हुआ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, हज़रत डैश शेख अल-अंबिया के नाम से मशहूर हैं? दोस्तों हज़रत नूह अलैहिस्सलाम शेख अल-अंबिया के नाम से मशहूर हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, पहली मस्जिद जो हजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने बनाई थी उसका क्या नाम था? तो उसका नाम था मस्जिद अल कुबा, मतलब है कि मस्जिद अल कुबा। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, इस्लाम का पहला शायर थे? तो इस्लाम के पहले शायर थे दोस्तों हज़रत हसन बिन साबत रज़ी अल्लाह तआला अन्हो, हज़रत हसन बिन साबत रज़ी अल्लाह तआला अन्हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है दोस्तों, उस जंग का नाम बताएं जो बगैर किसी नतीजे के ख़त्म हुई? तो दोस्तों वो ग़ज़वा तबूक थी जो बगैर किसी नतीजे के ख़त्म हुई।